55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा एंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। LIC में बाहरी एवं ग्रामीण एजेंट भर्ती 6000 हर माह और 25000 से अधिक का कमीशन केवल 280 पद, योग्यता 10वीं पास, उम्र 25 वर्ष से अधिक। जल्द संपर्क करें आशीष जैन भर्ती अधिकारी, मोबाइल नंबर 90980 13 269। दमोह शहर में स्थित मिशन अस्पताल में अब तक हुआ 7068 मरीजों की निःशुल्क सर्जरी। मिशन अस्पताल का कटे हॉट फटे तालों का निःशुल्क सर्जरी शिविर सम्पन्न। इस बार 33 मरीजों को मिला लाभ। प्रदेश की प्रमुख समाजसेवी संस्था आधारशिला संस्थान के संस्थापक अजय लाल के निर्देश में दमोह मिशन अस्पताल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बृहद निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कटे और फटे तालू के अलावा जले हुए तो कुछ चेहरे पर विकृत लिए हुए मरीजों की प्लास्टिक सर्जरी की गई। मानव सेवा के लिए समर्पित मिशन अस्पताल, जो अपने आप में एक मिसाल है, जहाँ हर वर्ष निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर लगाकर गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज के साथ हटे कटे होंठ फटे तालुओं के अलावा जले हुए और चेहरे पर विकृति लिए हुए मरीजों की सर्जरी कर उन्हें भी सामान्य लोगों की तरह सुंदर बनाया जाता है, ताकि वह भी समाज की मुख्य धारा में से जुड़कर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जिनमें हर धर्म जाति वर्ग के मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, इस बार भी दमोह के मिशन अस्पताल में मध्य प्रदेश के अनेक शहरों से मरीज आए। इस बार 68 मरीजों का पंजीयन हुआ, जिनमें से 33 मरीज का मेडिकल चेकअप के बाद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया, जिनकी सफलतापूर्वक 33 मरीजों की सर्जरी हुई, जिसमें कुछ सर्जरी तो बेहद नाजुक हुई जो महानगरों में भी संभव थी, जिसमें चेहरे पर भयानक विकृति लिए। जन्म से गणेश का चेहरा सामान्य न होते हुए भयानकता के लिए हुए था, इसकी भी सर्जरी हुई है। ऑपरेशन सफल रहा, जिसको लेकर क्या कुछ कहना है मिशन अस्पताल के डॉक्टर सर्जन का व मरीजों का, ये सुनते हैं। और कितने मरीज यहाँ पर लाभान्वित हुए हैं? यहाँ पे हमारे यहाँ पे मिशन अस्पताल में कटे होंठ फटे तालू के ऑपरेशन और साथ में जो बर्न होता है, मतलब जो बच्चे इनको या जो बड़े लोग भी हैं जिनको जो जल जाते हैं उनके बाद में उनकी स्किन जो चिपक जाती है, उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन यहाँ पे किया गया है। लगभग करीब 33 से 35 जो मरीज हैं वो यहाँ पे लाभान्वित हुए हैं और इन सारे मरीजों का जो इलाज है वो एकदम मुफ्त में यहाँ पे किया गया है। उनकी आने जाने की सुविधा, उनका रुकना, उनका खान पान, उनकी दवाई, उनका ऑपरेशन, सारी ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे मुफ्त में हुई है। हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय अजय लाल जी के द्वारा ये विगत काफ़ी वर्षों से ये कैंप सफलतापूर्वक यहाँ पे किया गया है और किया जा रहा है, और इस साल भी एक बहुत ही सफलतापूर्वक एक कैंप यहाँ पर इस साल भी हुआ है। इसमें एक बच्चा आया है जो छतरपुर जिले से है। जी, यहाँ पर एक बच्चा आया है, छतरपुर जिले से आया है। वो बहुत ही गरीब परिवार से है। उसको एक फेशियल डिफॉर्मिटी है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बोलते हैं, मतलब उसमें जो चेहरा है वो थोड़ा सा विकृत है, उसका थोड़ा नहीं हम बोलेंगे काफी विकृत है। उसका यहाँ पे एक सफलतापूर्वक इलाज हुआ है। उस बच्चे के यहाँ पे कम से कम ये मानिए कि अभी एक फेस उसका ट्रीटमेंट का हुआ है, लगभग 3 से 4 फेस उसके और ट्रीटमेंट के होंगे और वो बच्चा अभी बिल्कुल स्वस्थ है। और उसके जो आगे की जो उसकी लाइफ है, जो उसकी सोशल लाइफ है, वो भी इससे काफी इम्प्रूव होने की संभावना है और वो हमको देख नहीं रही है। कितना समय लगेगा ठीक होने में? ठीक होने में कम से कम ये मानिए आप 5 से 10 साल उसको लगेंगे, लगभग उसकी पूरी प्लास्टिक सर्जरी कंप्लीट होने में। मेरा नाम शोभा लाल पटेल है और हम ग्राम पंचायत खजरी से आए हुए हैं, और ये हमारा भतीजा है भागीरथ पटेल। इसका उम्र कटा था थोड़ा सा ऊपर, बचपन से कटा है, हाँ यहाँ ऊपर साइड कटा था। हमको पता चला पंपलेट के माध्यम से कि यहाँ निःशुल्क शिविर लग रहा है। हम लोगों ने यहाँ संपर्क किया, पंजीयन हुआ और ऑपरेशन हो गया है सफलतापूर्वक, और हम खुश हैं। और यहाँ की सेवाएं जी निःशुल्क हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जी सर, मेरा नाम विजय राठौर है, ग्राम चलैया, थाना कुमारी, जिला दमोह।
तहसील पटेरा एमपी मध्य प्रदेश। मैं बचपन में 2013 में जल गया था, केरोसिन की डब्बी मेरे ऊपर गिर गई थी। 2.5 महीने मेरा जबलपुर में इलाज चला। उसके बाद में मुझे कैंप की जानकारी हुई, कैंप में मेरी फर्स्ट सर्जरी 2014 में हुई। मेरा ये होंठ यहाँ सीने में चिपका हुआ था, जिससे मुझे खाने पीने में दिक्कत आ रही थी। फिर यहाँ कैंप में आया तो सर्जरी हुई तो मेरा होंठ सीधा हो गया। फिर उसके बाद में 2019 में मेरी एक सर्जरी हुई, हाथ की सर्जरी हुई। हाथ चिपका हुआ था, ऊपर नहीं जाता था, हाथ ऊपर जाने लगा। फिर 2022 में मेरी फिर हाथ और गले की सर्जरी हुई दोनों की, ये हो गया। अब 2023 में मेरी इस तरफ की सर्जरी, ये मेरी चौथी सर्जरी है और मैं इसका श्रेय श्री माननीय मिशन अस्पताल के संचालक डॉक्टर अजय लाल जी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कैंप का संचालन किया, उनका बहुत बहुत आभार। भगवान उन पर ऐसी कृपा बनाए रखे। वो और भी कई जगह से कैंप खोली, इससे बहुत से गरीब लोगों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अजय लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ।